BMY जोन 1 चरोदा स्थित साई मंदिर में ओम शिरडी साई सेवा समिति द्वारा मंदिर का स्थापना दिवस मनाया गया। 3 दिनों तक चले इस आयोजन का समापन शुक्रवार को महाभंडारे के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल विशेष रूप से शामिल रहे। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाला ने की। इस पूरे आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। जोन 1 चरोदा स्थित साई मंदिर में 3 दिनों तक मंदिर के स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया। गौरतलब है कि ओम शिरडी साई सेवा समिति द्वारा विगत 27 वर्षों से लगातार मंदिर के स्थापना दिवस पर आयोजन किया जाता है। शुक्रवार को भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर महाभंडारे के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया गया। इस समापन समारोह के एक दिन पूर्व संध्या में श्री साई बाबा की नगर भ्रमण करने बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल शामिल होकर साईनाथ महाराज की पूजा अर्चना की। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाला ने किया। तत्पश्चात मंदिर की समिति के द्वारा सांसद विजय बघेल का स्वागत सम्मान शॉल श्रीफल भेंट कर किया गया। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल अतिथियों का स्वागत सम्मान भी इस मंच के माध्यम से किया गया। इस मौके पर सांसद विजय बघेल ने अपनी शुभकामनाएं दी। 27 वर्ष पूर्व बहुत से हमारे भक्तों ने, जब मैं उस समय के शुभ अवसर का साक्षी हूँ, यहाँ पर साईं जी को स्थापित किया गया, साईं जी की प्रतिष्ठा की गई, साई मंदिर का निर्माण किया गया और 27 वर्ष बाद भी आज हर साल होने वाले इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हजारों भक्तगण यहाँ आते हैं, नमन करते हैं, पूजन करते हैं और साई जी से सुख शांति समृद्धि की कामना भी करते हैं। साई जी की प्रसिद्धि इस बात का भी द्योतक है कि साई जी के दरबार में न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, तो कोई सिख है, कोई ईसाई है। एक ऐसे संत हैं और बिरले संत हैं जिनके दरबार में सब लोग आते हैं। साईं की कृपा सब पर बनी रहे, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और स्थापना दिवस आयोजन समिति बनाया, उसके लिए मैं जो आयोजन समिति के साथी हैं या व्यवस्था जो देखने वाले इस मंदिर की समिति के साथी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। इस पूरे आयोजन को लेकर मंदिर समिति के प्रमुख जीराम रेड्डी ने बताया कि विगत 27 वर्षों से लगातार ये आयोजन किया जाता रहा है और आगे भी निरंतर जारी किया जाता रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अध्यक्षता कर रहे विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने अपने विधि से मंदिर में डोम शेड निर्माण के लिए 15 लाख की घोषणा की है। आयोजन हुआ 3 दिनों तक, ये श्री साई मंदिर का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है और बाबा के इस कार्यक्रम में जून 12 को हम लोगों ने स्थापना दिवस मनाते हैं और जून 13 को यह शोभा यात्रा होता है, पूरे नगर में घुमाया जाता है उनकी शोभा यात्रा, और जून 14 को महाभंडारा होता है। लगभग 5,000 के आसपास लोग आकर यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस कार्यक्रम में हम लोग क्षेत्र के जो भी हमारे सांसद हैं, विधायक हैं और सम्मानित लोग सभी को आमंत्रित करते हैं। और कल यहाँ पर आदरणीय विजय बघेल जी सांसद, उनकी उपस्थिति यहाँ पर हुई। उसके बाद विधायक डोमनलाल खोरसेवाड़ा जी उपस्थित हुए। उसको तमाम हमारे जो अतिथि हैं, श्री शशिकांत बघेल जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, डी विजय कुमार जी डिवीजनल कोऑर्डिनेटर, उनके साथ ही साथ श्री यहाँ शारदा केडिया जी, वाई पी अमराव जी, सुखदेव सिंह सिद्धू जी, परमजीत सिंह जी हमारे मंडल के महामंत्री हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हुए। सुषमा जेठानी जी मंडल के अध्यक्ष रही हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हुई। जय सावित्री और सरस्वती मैडम दोनों हमारे अतिथि थे, वो भी कल यहाँ पर आए। श्री एन के सिंह यूपी बिहार समाज के अध्यक्ष हैं, वो भी कल यहाँ पर उपस्थित हुए। अब सबकी उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ और इस बात का बहुत खुशी है कि सारे लोग कल यहाँ पर उपस्थित हुए। और साथ साथ हमारे क्षेत्र के विधायक ने आते ही हम लोगों समिति से पूछा कि आप लोगों को क्या ज़रूरत है, हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर एक शेड निर्माण चाहिए। तत्काल उन्होंने 15 लाख रुपए की घोषणा करी और अपने सचिव को उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए। इस बात का हम लोग को बहुत खुशी है कि विधायक जी ने बहुत बड़े मन से हमारे इस बात को पूरा किया। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे विधायक जी को, सांसद जी को, तभी सम्मानी हमारे अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं।
इसके साथ ही संजय अग्रवाल हमारे व्यापारी तरफ से, व्यापारी प्रकोष्ठ की ओर से यहाँ पर आए थे, जो पूरे व्यापारी समाज के प्रमुख हैं, वो कल यहाँ पर मुख्य अतिथि तौर पर वो भी पहुँचे थे और उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया और हर समय ऐसे कार्यक्रम के उत्साहित करते रहते हैं। ठीक, बस। बहरहाल 12 जून से 14 जून तक 3 दिनों तक चले इस भव्य आयोजन का समापन शुक्रवार को महाभंडारे के साथ किया गया। इस बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर महाप्रसाद को ग्रहण करते नजर आए। ACN न्यूज़ के लिए शरद खरे की रिपोर्ट।